हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, सुपर होंगे। दोस्तों, एक जबरदस्त टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो अपॉलॉजीज, इस टॉपिक को मैं कल लाइव डिस्कस कर रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क में इतना ग्लिच आया तो मैं सोचा आपके लिए एक रिकॉर्ड बना देता हूं और वीडियो को रिकॉर्ड कर देते हैं। देखिए, आपको टॉपिक मेरे हिसाब से पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक को। ऐसा क्या हो रहा है कि टर्की की जो करेंसी इतनी बुरी तरह से टूट रही है? ऐसा प्रॉब्लम कहां पे आया कि टर्की करेंसी इतना कोलैप्स कर रही, इतनी बुरी तरीके से और इतनी तेजी से कोलैप्स कर रही है? इस टॉपिक को एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, करेंसी जो टर्की करेंसी, इसका नाम है लीरा। आप यकीन मानिए, इस साल में 2021 में 45% से ये टर्की करेंसी जो वो टूट गई है नीचे। मतलब 45% वैल्यू लूज कर जाना किसी करेंसी के लिए भी एक इस ईयर में 2021 में बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल चीज है। सिर्फ नवंबर से अगर आप देखेंगे तो 30% वैल्यू लूज कर चुकी है। और दोस्तों, पहले एक बार शॉर्ट में सुनिएगा, फिर एक एक टॉपिक को डिटेल बताता हूँ। दोस्तों, दुनिया में जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं और खुद टर्की एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि सर जी, इसके लिए ना आप रिस्पॉन्सिबल है। सर, आप मतलब टर्की के आज के तात्कालिक राष्ट्रपति अर्दवान साहब और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज। ऐसा क्या हो गया इनकी पॉलिसीज में, वो अभी अपन देखते हैं। आज की तारीख में पहले मैं आपको बताया था दोस्तों, टर्की में जो पुअर क्लास और जो मिडिल क्लास है उनके हीरो थे अर्दवान साहब। तो आज की तारीख में वही पुअर और मिडिल क्लास अर्दवान साहब से नाराज है कि सर जी, आप देखिए सर, इतनी भयंकर तरीके से महंगाई। और टर्की में आप महंगाई देखेंगे तो आपको एकदम क्लियरली सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। ब्रेड, टर्की में ब्रेड कंजम्पशन बहुत है दोस्तों। एक सामान्य रूप से एक व्यक्ति टर्की में हर साल 200 से 300 किलो ब्रेड खाता है, एक व्यक्ति, पर पर्सन की बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में आप देखेंगे तो टर्की में फ्यूल में आग लगी पड़ी है, 40% से महंगाई बढ़ी हुई है। तो आज ना दोस्तों, पुअर और मिडिल क्लास ना अर्दवान साहब से काफी नाराज है कि सर जी, ये बहुत ज्यादा गलत है ना। अर्दवान साहब तकरीबन 2 दशकों से टर्की को संभाल रहे हैं और इस वक्त पे जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े बड़े जानकार, उनका कहना यह है कि सर, आप ना काफी अथॉरिटेटिव लीडर हो चुके हैं, डिक्टेटर जैसे हो गए हैं सर आप आज की तारीख में। सर, क्योंकि ना अर्दवान साहब, सर आपको लगता है कि जितना हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम रखेंगे, चीज़ों को, मतलब पैसे को जितना सस्ता रखेंगे, मार्केट में ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी। सर, ये गलत बात है। आज की तारीख में आप इस्तांबुल में जो लोग खड़े हैं, आप वो देखिए, भीड़ जो खड़ी है, लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नाराज है, एक बार देखिए क्या भयंकर फाइनेंशियल पेन से लोग गुजर रहे हैं। तो उसमें इस टॉपिक को आपको मैं डिटेल में पीस बाय पीस करके समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस टॉपिक को समझाने के पहले आपको छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में, पहले आपको बताता हूँ। मान लेते हैं भारत में आप ना बैंक में गए 100 रुपए लेने, बैंक से आप 100 रुपए ले रहे हैं तो हर 100 रुपए के लिए आपको बैंक को 5 रुपए का ब्याज पे करना पड़ रहा है, दैट इज 105 रुपए पे करना पड़ रहा है। ग्रेट। अब देखिए दोस्तों, ऐसे अभी कोविड का टाइम है, मतलब ऐसा नेगेटिव टाइम जब है तो होता क्या है, उस वक्त पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी सेंट्रल बैंक होती है वो घटा देती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाने का मतलब है हर 100 रुपए जो आप बैंक से ले रहे हैं, अब आपको बैंक को रीपे करना है, मान लो 102 रुपए, पहले 105 पे करना था, अभी 102, मतलब पैसा सस्ता हो गया। ये ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि मार्केट में डिमांड को जनरेट किया जा सके, राइट? पैसे को सस्ता किया ताकि लोग आए, ज्यादा उधार लें और इकोनॉमी का चक्का चलना शुरू हो। आप जरा इसके ऑपोजिट सोच के देखिए, मान लेते लोगों के पास भयंकर पैसा या बहुत पैसा खर्च हो रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो महंगाई अगर बहुत ज्यादा है मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो एक बेसिक टूल ये होता है कि ब्याज दर को बढ़ाओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाओ। जैसे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाओगे, दो चीजें, लोन लेना महंगा हो गया, कुछ ऐसा समझिए, हर 100 रुपए जो आप बैंक से ले रहे हैं, हो सकता है अभी आपको 110 रुपए पे करना पड़ रहा है, पहले 105 पे करना पड़ रहा था, पैसा महंगा हो गया, तो आप लोन लेना अवॉइड करोगे। दूसरी बात यह, आप सोचोगे हटा यार, बैंक में पैसा रख, पैसा ज्यादा मिल रहा है मुझे मस्त टाइम से। एग्जैक्टली दोस्तों, तो यहां पे टेक्निकली अगर आप देखोगे तो टर्की में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहिए, राइट? लेकिन आज की तारीख में आप देखेंगे तो महंगाई ज्यादा है टर्की में, महंगाई ज्यादा होने के बावजूद यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने को प्रमोट कर रहे हैं अर्दवान साहब। तो यहां पे करेंसी की जो हालत हो रही है और महंगाई दर की जो हालत है, भयानक बुरी है। और इसके चलते टर्की की जो क्रेडिट रेटिंग है वो बहुत तेजी से गिरी है दोस्तों, और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं टर्की से पैसा निकालना शुरू कर दिए। टर्की में नहीं, नहीं, अपन टर्की में तो पैसा नहीं डालेंगे। याद रखिए दोस्तों, इन्वेस्टर्स हमेशा चाहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए, पैसा सेफ होना चाहिए, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आज की तारीख में टर्की करेंसी जिसका नाम है लीरा, मुस्तफा किमाल अतातुर्क साहब की फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, टर्की के जब सबसे पहले राष्ट्रपति थे 1922-23 जब टर्की बना था, तब से लेकर 38 तक, जब तक इनकी मृत्यु हुई तब तक राष्ट्रपति थे।
आज की तारीख में आप टर्की को देखेंगे तो ऑल टाइम लो पे चल रहा है। जब मैं वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं तो $1 की कीमत तकरीबन 15.65 लीरा, टर्किश लीरा के बराबर है, जो कि बहुत बुरी हालत में है। अब दोस्तों क्या होता है, एक छोटा सा पॉइंट और समझिए डिमांड एंड सप्लाई का। देखिए मान लेते फिर से चलो इंडिया के डॉलर और रुपए के कॉन्टेक्स्ट में आप समझो, ठीक है, डॉलर एंड रुपए के कॉन्टेक्स्ट में आप समझो। मान लेते हैं कि डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है, डॉलर की डिमांड ज्यादा होने का मतलब डॉलर की सप्लाई कम है, राइट। डॉलर की डिमांड ज्यादा होने का मतलब रुपए की डिमांड कम है, सप्लाई रुपए की, डॉलर की सप्लाई कम होने का मतलब रुपए की सप्लाई ज्यादा है। तो होता क्या है, इस कंडीशन में जो भी सेंट्रल बैंक होती है वो आती मार्केट में और डॉलर रिलीज करती है ताकि ये प्रेशर कम हो। जैसे मान लो यहाँ पे आरबीआई आई और आरबीआई ने डॉलर्स को मार्केट में रिलीज किया, इसको ओएमओस बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी और इससे डिमांड कम होगा, थोड़ी देर के लिए ना जो प्रेशर है वो कम होना शुरू होगा, राइट। एग्जैक्टली यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको टर्की की सेंट्रल बैंक जो है ना फॉरेन करेंसीज जो है वो सेल करते हुए, सेल ऑफ करते हुए दिखेंगी। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस दोस्तों हर जगह जो फॉलो होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाएंगे नहीं ना, सॉरी बढ़ाएंगे नहीं, तब तक के ये महंगाई दर यूं ही बढ़ती रहेगी और ना पैसे में आग लगी रहेगी और लीरा ऐसे टूटती रहेगी दोस्तों यहाँ पर के। तो ये काफी अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ट्रंप साहब कहाँ से आ गए, यहाँ पे आप देखेंगे तो अर्दवान साहब जो है काफी प्रमोट करे कि नहीं 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 आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही रखो ना। लेकिन क्यों सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम क्यों रखें? तो दोस्तों अर्दोगन साहब का या अर्दवान साहब का कहना यह है कि देखिए जी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखेंगे तो लोग ना ज्यादा से ज्यादा बोरो करेंगे और जितना ज्यादा से ज्यादा बोरो करेंगे ग्रोथ उतना ज्यादा होगी। ये सही बात है, एक आइडियल कंडीशन में सही बात है। होता क्या है कि लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे, इस समय समझ गया, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि डिमांड बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाती है कि फिर महंगाई इन्फ्लेशन को आपके अटैक करने लगते, इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाती है। तो इस वक्त पे आपको फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए और इसी चीज़ के खिलाफ है आपके अर्दोगन साहब। तो अर्दोगन साहब का कहना है कि नहीं नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन नहीं बढ़ा रहे, चाहे कुछ भी हो जाए हम तो वो तो चीज़ तो नहीं करेंगे। दोस्तों इसके चलते हो ये रहा है कि आज की तारीख में कोल्ड ड्रिंक से लेके ब्रेड से लेके छोटी छोटी चीज़ें, मतलब आप जो ब्रेड को बनाने के लिए फ्लार चाहिए, मतलब आपको गेहूँ चाहिए पिसा हुआ फ्लार जो चाहिए, उसकी कीमत आप देखेंगे ना दोस्तों पिछले 6 महीने में 3-3 गुना बढ़ चुकी है। तो ब्रेड की कीमतों के लिए, ब्रेड के लिए आप एकदम लाइनें लगी हुई देखेंगे और बहुत महंगा महंगा बिक रहा है। तो ना पुअर क्लास के लिए और मिडिल क्लास के लिए जो गुड्स हैं वो अनअफोर्डेबल हो चुके हैं, बहुत महंगे हो चुके हैं। तो सभी लोग ना अर्दवान साहब से दोस्तों रिक्वेस्ट करें कि सर जी प्लीज अपन एक बार बढ़ा देते हैं, दिक्कत कोई मतलब ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सर अपने को। इस साल जैसे मैंने आपको बताया टर्किश लीरा 45% तक टूट गई दोस्तों, 45% तक टूट गई है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर लेकिन इतनी तेज स्लाइड क्यों हो रही है, ये स्लाइड जो है वो इतना तेज हो क्यों रहा है? अच्छा बाय द वे आप कोई भी रेटिंग एजेंसी देख लीजिए, S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल देख लीजिए, मूडीज देख लीजिए या फिर फिच देख लीजिए, सभी लोगों ने नेगेटिव, इनकी क्रेडिट रेट सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बोलते हैं उसको, मतलब एक देश के रूप में आपकी जो रेटिंग है उसको नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि भाई साहब यहाँ पे इन्वेस्ट मत करो। तो इसलिए मैंने आपको बताया ना कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, चाहे लोकल इन्वेस्टर्स चाहे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो टर्की से अपने पैसे को निकालना शुरू कर दिया और पैसे इन्वेस्ट करने से कतरा रहे हैं टर्की में। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे कि इतनी तेजी से इसके फॉल होने का रीजन क्या है? तो इतनी तेजी से टर्किश लीरे के फॉल होने का रीजन, तेजी मतलब कितनी तेजी भाई साहब, मैंने आपको बताया ना ऑल टाइम लो पे चल रही टर्किश लीरा और महंगाई दर। देखिए भारत में आरबीआई को बोला जाता है कि सर जी आपको ना रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये इन्फ्लेशन को ना 4%± 2% मेंटेन रखना है सर, 4%± 2% हो गया 2% एंड 4+2% हो गया सर 6%। तो आपको इसके बीच महंगाई को मेंटेन रखना है सर। आप यकीन मानिए आज की तारीख में टर्की में आप देखेंगे तो नवंबर में इनके ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से बता रहा 21%, क्या होता 21% इन्फ्लेशन यार, मतलब आग लगी पड़ी भाई साहब यहाँ। तो यहाँ पे उसके बाद आप ये बोल रहे हो कि नहीं ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम रखो, तब तो फिर भगवान मालिक है, फिर तब तो बहुत मुश्किल होगा। और इसीलिए आप देखेंगे तो आज की तारीख में सेंट्रल जो इनका बैंक है इनके ऑफिशियल्स के बीच में और अर्दवान साहब के बीच में एकदम सीधा हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, कई लोगों को फायर कर दिया उन्होंने। और इसलिए बड़े बड़े आर्टिकल्स आप देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ आपको मिलेगा कि सर जी आप ना बहुत एक डिक्टेटोरियल तरीके से अपना सरकार चला रहे, देश चला रहे हैं सर, इससे ना आपका जो पॉपुलैरिटी वो भी सैग कर रहा है। तो जो 18 महीने बाद 2023 का चुनाव है ना सर, उसमें आपको बहुत भारी पड़ सकता है, ऐसा मत कीजिए। और आज की तारीख में ना सर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आप ऑल टाइम लो पे चल रही सर आपकी करेंसी। अर्दवान साहब ने बोला कि देखो मेरे देश के लोगों को पता है और मेरे देश के लोगों से मैंने आह्वान किया कि थोड़ा पेशेंस रखिए, चीज़ें फाइन हो जाएंगी। सर हो सकता है फाइन हो जाए, लेकिन आप बहुत ही डिक्टेटोरियल तरीके से देश को चला रहे हैं, आपने अपने चारों तरफ जिन लोगों को रख रखा है वो एकदम यसमैन है, चाटुकार है, और इसके अलावा तो जो भी लोग जो सोचने समझने वाले थे उनको तो आपने फायर कर दिया है।
इसका मैं एक बार एक्सचेंज रेट के साथ रिलेशन बता देता हूँ। एक्सचेंज रेट के साथ रिलेशन कुछ इस तरह से, देखो यार सिंपल सी आपको आता है एक्सचेंज रेट मतलब होता क्या है। एक्सचेंज रेट मतलब एक डॉलर बराबर आपके देश की करेंसी की वैल्यू क्या है, राइट, यही मतलब वो एक्सचेंज रेट का, ठीक बात है। तो देखो यार ऐसा है, एक्सचेंज रेट के साथ भी यही चीज़ है, सिंपल सी बात है, जैसे कि इन्फ्लेशन को आप देखोगे तो इन्फ्लेशन एकदम क्लोजली रिलेटेड किससे होता है, इंटरेस्ट रेट से, सही बात है। इन्फ्लेशन क्लोजली रिलेटेड है इंटरेस्ट रेट से, बिल्कुल सही बात है। जैसे आप मार्केट में, मैंने आपको बताया, आप देख रहे हो कि महंगाई ज्यादा है मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, लोगों के हाथ से पैसे को खींच लो, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पे देख रहे हैं आप डिमांड कम है, तो आप क्या करते हो, बेंचमार्क इंटरेस्ट को आप घटा देते हो ताकि पैसे को आसान बना देते हो, राइट। और यहीं पे दोस्तों आपके एक्सचेंज रेट वाले चीज भी आती है जो कि डायरेक्टली रिलेट करती है। अब देखिए जी, इन्हीं चीज के बीच में एक्सचेंज रेट भी एक बैलेंसिंग एक्ट के रूप में यूज होता है। अब देखिए जी, कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सिंपल भाषा में बताता हूँ। लो इंटरेस्ट रेट बढ़िया चीज है, मैं मानता हूँ खुद भी लो इंटरेस्ट रेट बढ़िया चीज है। लो इंटरेस्ट है, पैसा अगर सस्ता है तो आप, मैं और हमारे से बहुत सारे लोग मार्केट में पैसा उठाएंगे और मस्त तरीके से खर्च करेंगे ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका एक लिमिट है, राइट। मतलब उसका एक लिमिट है, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा, मैं मान गया करेंसी की वैल्यू को, लेकिन आप क्योंकि देश ग्रो कर रहा है, मैं मान गया, लेकिन आपको मैं अगर इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो एक इन्वेस्टर हमेशा ये चाहते हैं कि यार रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होना चाहिए। मतलब एक काम करते हैं, अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आपको ऑप्शन मिले, यूनाइटेड स्टेट्स में 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और सोमालिया में 400%, तो सोमालिया में पैसा थोड़ी लगा दोगे यार, क्यों, इंटरेस्ट रेट तो ज्यादा है भाई साहब। सिर्फ इंटरेस्ट रेट से क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट ही वापस नहीं आना है, सोमालिया में थोड़ी पैसा लगा दोगे। तो फिर इंटरेस्ट रेट के अलावा जो भी फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो ये देखते हैं कि देश स्टेबल कितना है, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए और इसके अलावा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना आज की तारीख में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, उनको ये चीज कम लग रही है। और जो मैं आपको बताया था क्रेडिट एजेंसी की रेटिंग की नेगेटिव, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जो नेगेटिव है, इसका बहुत मैसिव इंपैक्ट पड़ता है जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आपके देश से पैसे को निकाल लेते हैं। क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को जो चाहिए वो ये चाहिए, सबसे पहली चीज इंटरेस्ट रेट अगर हाई है तो बहुत बढ़िया है, इसके अलावा आपका देश ना पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल होना चाहिए। अगर ये सारे के सारे फैक्टर्स मैच करें तो दन इन्वेस्ट करो, क्या ही दिक्कत है, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज है। तो अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में टर्की एक बहुत बड़े विशेष सर्कल में फंसा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, और वो पॉइंट ये है, अब आपको लगेगा कि जब इतना सब कुछ क्लियर तो अर्दवान साहब को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देना चाहिए ना, अग्री करता हूं मैं आपकी बात से, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं एक आइडियोलॉजी के बारे में बताता हूं। आइडियोलॉजी ये है, टर्की एक इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन टर्की को आप देखेंगे तो टर्की आपको बाकी इस्लामिक राष्ट्र से एकदम अलग दिखेगा। इसका कारण है इनके टर्की के जो फादर रहे हैं मुस्तफा केमाल अतातुर्क, जब 1922 में टर्की बना, मैंने फोटो नहीं रखा है, जस्ट आपको बता रहा हूँ, तो जब 23 में टर्की बना तो उन्होंने क्लियरली एक बात कहा लोगों को कि आप किसी भी धर्म को बिलोंग कर सकते हो, आपका पर्सनल स्फेयर है, लेकिन देश और आपका जो पर्सनल धर्म, जो आपका धर्म है, जो आपका पर्सनल स्फेयर में, ये दो एकदम अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है जी। और अर्दवान साहब जो हैं, उनके जो देश को चलाने का तरीका वो एग्जैक्टली 180 डिग्री है मिस्टर मुस्तफा केमाल अतातुर्क से। उनके हिसाब से जो आपका रिलीजन है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका रिलीजन है वैसे देश है, दोनों सेम तरह से चलने चाहिए। इस्लाम में एक पॉइंट ये होता है कि ब्याज, करेक्ट बोल रहा हूँ ना, एक बार आप करेक्ट कर देना अगर गलत होगा तो, और वो ये है कि ब्याज को खराब बताया गया है। तो पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली ये फर्क है यहाँ पे। तो अर्दवान साहब अगर यहाँ पे ब्याज को बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं, तो उनकी सारी आइडियोलॉजी का क्या होगा, और अगर वो घटाते तो फिर देश का क्या होगा और करेंसी क्या होगा, यही पॉइंट है दोस्तों। थोड़ा सा मैं आपको ना और एग्जाम्पल देता हूँ। आज की तारीख में आप देखेंगे टर्की में तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल ब्रेड है। आज की तारीख में जो ब्रेड, जो मैं आपको बताया मेन, यार वन ऑफ द मेन स्टेपल फूड में ब्रेड आता है टर्की में। आज की तारीख में आप टर्की में भोजन को देखेंगे, मतलब फूड को, इसको ब्रेड को देखेंगे, देखिए टर्की में क्या होता है, जो ब्रेड होता है ना 200 से 300 केजी ब्रेड एक व्यक्ति खाता है एक साल में टर्की में। और वहां पे आज ब्रेड की कीमत इतनी मैसिवली बढ़ गई है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप ब्रेड की इंपॉर्टेंस को इसी से लगा सकते हैं कि टर्की में जब भयंकर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ था ना, तो टर्की की सरकार ने दो चीज़ों के लिए परमिशन दिया था, एक जो दवाई के लिए जा सकते हैं, फार्मेसी जा सकते हैं, और ब्रेड खरीदने जा सकते हैं। आप इसी अंदाजा लगा सकते हैं कि टर्की में ब्रेड कितना इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेड की कीमत ना थोड़ी भी महंगी होती तो बहुत फर्क पड़ता है यार, लो इनकम फैमिलीज एंड मिडिल इनकम फैमिलीज को स्पेशली। और यही कारण है कि टर्की में ना जो पुअर फैमिलीज और मिडिल क्लास फैमिली ना भड़की हुई है। आज की तारीख में जो अपोजिशन पार्टी, उन्होंने सोच लिया कि यार अब तो मिला क्रैक अपने को, दो दशक से अपने को क्रैक नहीं मिला था मिस्टर अर्दवान को हराने का, अब क्रैक मिला है।
तो अब सारे जो ऑपोजिशन पार्टीज है, 5-6 ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठे हो गई हैं, और जो अरदवान साहब की पॉलिटिकल पार्टी उसके भी दो मतलब बड़े बड़े नेता जो है वो छोड़ के चले गए। AKP नाम है इनकी पॉलिटिकल पार्टी का, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी बोलते हैं इसको। और इसलिए ऑपोजिशन के लीडर्स का कहना ये है कि सर अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये गड़बड़ है सर, आपने सर लोगों का ब्रेड छीन लिया सर, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। तो ऑपोजिशन पार्टीज एकदम चढ़ बैठी है दोस्तों अभी टर्की के राष्ट्रपति साहब के ऊपर कि सर जी अभी आपने ना बहुत ज्यादा ये कर दिया, बहुत ज्यादा महंगाई वगैरह बढ़ा दिया सर, ये गलत बात है ना सर, अब तो बहुत मुश्किल है। ब्रेड बनाने वालों से पूछा गया, तुम लोग कैसे कर रहे हो भाई, ब्रेड सस्ते में क्यों नहीं बना रहे हो, इतने महंगे में क्यों बना रहे हो? बोले सर कहां से बनाएंगे आप मेरे को बताइए। ब्रेड बनाने के लिए आपको फ्लावर चाहिए राइट, अब आप मुझे बताएं आटा चाहिए मतलब, तो आप एक बात आइए, जो फ्लावर की कीमत को आप देखेंगे तो इसी साल के अप्रैल से नवंबर 85% से बढ़ गया सर। अब आप बताइए कैसे कैसे बनाए सर, हम लोग आप ही बताइए ना, अगर आप बोलेंगे तो अपन बनाने का प्रयास करते हैं, अब आप बता दीजिए कैसे बनाएगा फिर। तो इतनी तेजी से इसकी महंगाई बढ़ रही है ना कि सर पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आप 50 केजी फ्लावर की कीमत को आप देखते, तो अभी इसी साल की बात कर रहा हूँ इसमें टर्की में, तो 50 केजी आप फ्लावर को देखते तो तकरीबन $9 के आसपास चल रहा था, और आज की तारीख में वही 50 केजी जो आपका फ्लावर है वो कुछ नहीं तो $25 से $27 का बिक रहा है। अरे यार हर महीने एक कोक की कीमत बढ़ जा रही है हर महीने, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे एप्पल वगैरह है वो लोग बनाना बंद कर दिए अपने पार्ट्स के, अभी रुक जाओ अभी नहीं बनाएंगे दोस्तों। तो क्या ऐसा है क्या कि अभी राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होगा 2023 में वहां पे मुश्किल हो जाएगी? देखो अरदवान साहब यार खिलाड़ी व्यक्ति हैं, वेटरन व्यक्ति हैं, 22 दशक से शासन कर रहे हैं, हो सकता है कि अथॉरिटेरियन तरीके से भी लीड करे, वो सब तो एक अलग पॉइंट है, लेकिन इसके पहले भी इस तरह के माहौल से गुजरे हुए, 2016 में मिलिट्री कू हुआ था, 2018 में इसी तरह का ना दोस्तों करेंसी क्राइसिस देखने को मिला था, उससे भी निकल के आ गए दोस्तों। ना सिर्फ ये एक डेस्परेट टाइम है, वो भी एक डेस्परेट इसी तरह का एक डेस्परेट टाइम था दोस्तों। ना सिर्फ ये 2023 के लिए राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बिल्कुल उम्मीदवार रहेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं, और यही कारण है कि वो हमेशा महंगाई दर को कम रखना चाहते हैं, क्योंकि इनका मानना ये, अरदवान साहब का मानना ये है कि यार देखो जितना महंगाई दर कम होगी उतने देश उतना बेहतरीन टाइप से ग्रो करेगा, सीधी सीधी बात है, ऐसा इनका कहना है दोस्तों। एक बात और आपको बताया था 2023 के चुनाव के बारे में, जब मैं आपको बोल रहा हूँ तो 2023 के चुनाव अभी क्या हुआ था, 2017 में इन्होंने कानून पास किया था, उस कानून में ये था कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी 2023 के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अरदवान साहब 2 बार राष्ट्रपति रहे, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार रहेंगे और प्रबल उम्मीदवार रहेंगे अरदवान साहब। ऐसा कैसे? तो इनका कहना यह है कि देखो जी 2017 में जो हम कानून लाए थे अमेंड किए थे उसके पहले मैं राष्ट्रपति था ना, तो उसको तो नहीं मानेंगे, दूध भात हो गया वो अपना, दूध भात हो गया मतलब, एक होता है ना फर्स्ट बॉल तो ट्रायल ही होती है यार, फर्स्ट में आउट करेगा तो थोड़ी मानूंगा, पागल है क्या, तो उस टाइप की बात है दोस्तों ये। तो देखते हैं 2023 का इलेक्शन क्या होता है, क्योंकि अभी राष्ट्रपति अरदवान साहब की जो क्या बोलते उसको रेट जो अप्रूवल रेटिंग है वो काफी तेजी से नीचे आई है दोस्तों। हाउ डज द कॉन्टेस्ट बिटवीन इकोनॉमीज एंड पॉलिटिक्स यूजुअली एंड, इसी तरह का सिनेरियो आपको दुनिया के बहुत सारे देशों में देखने को मिलेगा, और स्पेशली जैसे कि जार बोल्सोनारो मतलब ब्राजील में। देखिए दोस्तों आप ठीक है नेशनलिज्म की भावना को प्रोवोक मतलब क्या होता है कि जब कभी इस तरह की चीज़ें होती तो जो नेशनलिस्ट लीडर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि यार फॉरेन नेशनल्स के लोग ऐसा कर रहे हैं, हमारी करेंसी को तोड़ रहे हैं, ये है वो है, आपको बहुत सारी चीज़ें रहेंगी ना, इसी तरह की चीज़ आपको ब्राज़ील में मिलेगी, लेकिन क्या होता है यार नेशनलिज्म की भावना भी जागेगी मैं समझ गया, लेकिन पेट में अनाज होना जरूरी है ना, भूखे पेट तो शायद वो भी बहुत मुश्किल है। जार बोल्सोनारो ब्राज़ील में भी इसी तरह की आपको चीज़ देखने को मिलेंगी, वहाँ पर भी ना आपको लोग मतलब एग्जैक्टली इस तरह से आपको याद होगा जार बोल्सोनारो से आपको एक स्टेटमेंट था, सिर्फ मुझे भगवान ही जो मुझे हटा सकते हैं और कोई नहीं हटा सकता, इसी तरह के सेंटिमेंट्स आपको हंगरी में भी देखने को मिलेंगे विक्टर ऑर्बान के केस में, और इसी तरह के केसेस आपको देखने को मिलेंगे चेक रिपब्लिक में के भी केस में दोस्तों। तो ना ये सारी के सारे जगहों पे इस तरह के केसेस आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे महंगाई दर बहुत तेजी से ऊपर आई है, यहाँ पे ना लोगों का कहना है कि सर जी आप लोग इतने बड़े बड़े लेवल पे डिटैच हो चुके हैं, आपको पता ही नहीं कि समाज में क्या चल रहा है, सर कैसी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी आज की तारीख में हमको जो ऑब्जर्व करना चाहिए या करना होगा वो ये है कि फाइनली मिस्टर अर्डोगन क्या डिसाइड करते हैं, क्या अरदवान साहब ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं, क्योंकि जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं बढ़ाएंगे हम करेंसी को बचा ही नहीं पाएंगे, महंगाई दर को नीचे ला ही नहीं पाएंगे, तो बस यही देखने की चीज रहेगी कि इन दोनों में से क्या होता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, वंस अगेन अपॉलॉजीज यार मैं लाइव आया था सेशन को लेने अभी थोड़ी देर पहले आया था, शायद ये वीडियो आप सुबह देख रहे होगे लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अनफॉर्चुनेटली यार क्या करें टेक्निकल ग्लिचेस इतने सारे हो गए आज के टाइम पे ना पूरी दुनिया ऑनलाइन आ चुकी है ना तो इसलिए ऐसा हुआ, तो अपॉलॉजी उसके लिए। दोस्तों कल अपन डिस्कस करेंगे ये लाइव में डिस्कस करेंगे क्या ओमिक्रॉन जो है ये सुपर स्प्रेडिंग हो रहा है क्या इसका,
ये डिस्कस करेंगे, क्रिटिकल रीजनिंग अपन कल डिस्कस करेंगे दोस्तों, यूट्यूब में 11 बजे तैयार रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो मेरा बैच शुरू हो रहा है अनअकैडमी ऐप पे प्लस पे, एकदम जबरदस्त तरीके से रेडी रहेगा, 20th December को 4 PM पे स्टार्ट होगा, ठीक है जी। दोस्तों आप लोग अनअकैडमी ऐप पे जा सकते हैं, वहां पे दिखूंगा मैं सौरभ ठाकुर, आप ये फॉलो कर सकते हैं। आप अपना 18,000 हो चुके हैं, 18,000 हो चुके हैं, और आपको ना पता चल जाएगा मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बैचेस अगर लेके आता रहता हूँ। दोस्तों स्पेशल क्लासेस बहुत सारे ऑलमोस्ट में शेड्यूल रहती है, जो भी आपको डाउट होता है ना अकेडमी के यहाँ पे फोटो खींच के भेज सकते हैं, तो सोल्यूशन होगा या तो नहीं, या तो फिर हम प्रोवाइड करेंगे। ये एक मैसिव इनिशिएटिव अभी लिया गया है, और वो ये 19 December को दोपहर के 3 बजे मस्त तरीके से रिवाइज इंडिया गेट 2020 वाले बच्चों के लिए मजेदार चीज़ है। दोस्तों मस्त तरीके से कॉम्बैट दीजिए, ये ना मैं, ये कोड यूज़ कीजिएगा ST26, और सुपर तरीके से कॉम्बैट दीजिएगा। ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर, 26 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। दोस्तों ये एनरोल जरूर करके रखिएगा, जनवरी में जो ऑल इंडिया की टेस्ट सीरीज हो रही है, इंडिया के बेस्ट से बेस्ट लोगों ने आप सभी लोगों के लिए टेस्ट सीरीज को बनाया है, मस्त तरीके से इसका पूरा फायदा उठाएगा। और इसके अलावा ये एक से एक लोग है दोस्तों जिनके बैचेस चल रहे हैं या फिर स्टार्ट होने वाले हैं, आपको ज्वाइन करने का मन करें, ये कोड यूज कीजिएगा ST26। आइकॉनिक के प्लस कोई भी सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, पर्सनल कोर्स, स्टडी प्लान, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, अनलिमिटेड एक्सेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, सारी की सारी चीजें आपको मिलती है। दोस्तों आप में से 2023 से 24 के स्टूडेंट है वो 12, 18, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, और जो अभी वाले हैं वो ये जरूर से देखिए, रिविजन के लिए बहुत काम में आएगा। ये नोट्स आपको एपटी एक्सप्रेस के चैनल पे अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा, और इस पूरे सेशन में मैंने कोई बात ऐसी बोली जो आपको इनअप्रोप्रिएट लगे उसके लिए अपॉलॉजी, आप बता सकते हैं, यू मे क्लेम द प्राइस एज वेल। दोस्तों यही था हमारा आज का सेशन, इसके बाद के सेशन में फिर से मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।